नमस्कार दोस्तों, उद्यान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। देश में बढ़ते प्रदूषण से देश की सरकारें और आम लोग ही नहीं बल्कि विदेशी एक्टर भी घबराने लगे हैं और सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि भारत में क्या कुछ किया जाए ताकि प्रदूषण को कम किया जाए। इनमें से एक है विदेशी एक्टर पामेला एंडरसन। भारत में बढ़ते प्रदूषण पर अपनी चिंता और दुख व्यक्त करते हुए अमेरिकन कनाडाई एक्ट्रेस पामेला एंडरसन ने पीएम मोदी को एक लेटर लिखा है। पामेला ने इस लेटर में पीएम मोदी से यह गुजारिश की है कि भारत में वीगन लाइफस्टाइल को प्रमोट करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण में तेजी से बदलाव हो रहा है, जो कि भारत के लोगों के लिए चिंता की बात है। आपको बता दें कि पामेला एंडरसन पेटा के डायरेक्टर भी हैं और उन्होंने पीएम मोदी से गुजारिश की है कि उन्हें डेयरी प्रोडक्ट को हटाकर सोया प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए और मीट और ऐसे जानवरों से जुड़े प्रोडक्ट पर बैन लगा देना चाहिए, खास करके सरकारी प्रोग्रामों में। अपने पत्र में पामेला ने लिखा कि मीट और डेयरी प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों को बंद करने की सलाह इसलिए दी है क्योंकि मीट और डेयरी कंपनियां दुनिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां बन रही हैं। यूएन ने चेतावनी दी है कि क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ग्लोबल स्तर पर बदलाव जरूरी है। ये एक ऑप्शन नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए जरूरी हो गया है। दोस्तों, ये बात सच भी है कि हमारे देश में प्रदूषण एक समस्या के रूप में उभर रहा है। बीते दिन दिल्ली को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने कह दिया था कि घुट घुट के मारने से अच्छा है एक ही बार में मार दिया जाए। ऐसे में हमारे देश की सरकारें क्या करेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल रिपोर्ट पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नए नए अपडेट सबसे पहले मिलते रहें।